नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हुए आरपीजी अटैक में एक हमलावर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में अग्निवीर नियुक्ति रैली हुई शुरू। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,957 नए केस, एक्टिव मामले की संख्या बढ़कर हुई 30,362 पर। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, पाकिस्तान जाने से बचने के लिए दी सलाह। दिल्ली शराब नीति घोटाला, ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब में 35 जगहों पर की छापेमारी। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद टिहरी जिले में 12वीं तक के स्कूल हुए बंद। नेपाल में भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 35 हुए घायल। त्योहारी सीजन पर रेलवे की सौगात, छठ पूजा तक 179 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। उत्तराखंड के हिमस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 19 के पार। और यूजीसी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में साइबर सिक्योरिटी का बेसिक और मिड लेवल की पढ़ाई होगी अनिवार्य, ड्राफ्ट किया गया साझा।